और इसको मैंने मकरम पे चिपका दिया है। ये तकरीबन 3 इंच चौड़ा है और लेकर नेक की यहाँ तक जो एम्ब्रॉयडरी है, जहाँ तक मैं मुझे बूट पाइपिंग लगानी है, इतनी लंबी ली है। गैप दिया है, ये गैप मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस जगह से मुझे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमी फैशन। आज मैं आपको नेक के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी नेक के ऊपर पाइपिंग लगाना का तरीका बताने वाली हूँ। तो अक्सर ये होता है कि इस तरह के जो एम्ब्रॉयडर्ड वाले नेक डिज़ाइन होते हैं, इनके ऊपर समझ नहीं आती कि हम क्या डिज़ाइनिंग करें। तो इसके ऊपर वैसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती, डोरी पाइपिंग भी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती, इसके ऊपर बूट पाइपिंग ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बूट पाइपिंग को कैसे कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं इजी तरीके से। तो ये मैंने बुकरम लिया है, इसकी लेंथ मैंने जो ये मेरी पूरी ऊपर से लेकर नेक की यहाँ तक जो एम्ब्रॉयडरी है, जहाँ तक मैं मुझे बूट पाइपिंग लगानी है, इतनी लंबी ली है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। अब मैं इसको इसके पीछे प्रेस की मदद से सेट कर दूंगी। इसका पहले सेंटर बना लेंगे इस तरह। अब ये जो इसकी सेंटर लाइन है वो बिल्कुल इस जो एम्ब्रॉयडरी पैनल है, एम्ब्रॉयडरी पैनल है इसके बिल्कुल बीच में इसकी इस तरह सेंटर लाइन चिपकनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखते हुए इसे प्रेस की मदद से अच्छे से अटैच कर लेना है। ये अटैच करने के बाद बुकरम मैं इसे कट कर लूँगी, कट में से सीधी साइड से करूँगी ताकि मैं इसके बिल्कुल सेंटर से कट कर सकूँ। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है ये बिल्कुल सेंटर से कट हो। तो यहाँ पर नेक का जो सेंटर बन रहा है और ये अपनी जगह से हिले ना, इसलिए सिलाई करते वक्त ये अपनी जगह से ना हिले, इसके लिए मैं छोटा सा बुकरम का टुकड़ा लेकर इसके ऊपर इस जगह चिपका लूँगी। मैंने अपनी पाइपिंग तैयार करनी है। ये देखिए, ये मैंने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है और इसको मैंने बुकरम पे चिपका दिया है। ये तकरीबन 3 इंच चौड़ा है और इसकी लेंथ मेरे नेक के अकॉर्डिंग है, जितना मेरा नेक है। अब मैं इसे हाफ से कट करूँगी, 3 इंच का हाफ, मतलब 1.5 इंच मुझे लेना है दोनों तरफ की पाइपिंग के लिए। अब ये वाला जो हमारा है फैब्रिक, इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, हम पेंटेक्स भी डाल सकते हैं, हम एंकर थ्रेड की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो उसकी और लुक आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल ही, अब ये वाला जो मेरा फैब्रिक है इसके ऊपर मैं मार्किंग कर लूँगी, जितनी मुझे चौड़ी पाइपिंग लगानी है उतनी चौड़ी मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी, उससे ये इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, ये वाला जो मेरा कट है, यहाँ से इतनी मुझे इसकी पाइपिंग लगानी है, तो मैं इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगी ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो मुझे आसानी रहे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या जितनी आपकी इधर एम्ब्रॉयडरी की जगह है। ये देखें, ये मेरी जितनी जगह है बची है मैंने कट करने के बाद यहाँ तक, मैं इतनी चौड़ी ही लगाऊँगी इसके ऊपर। आप अपने जो आपका जो भी नेक डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसको हम सीधा करके इस तरह यहाँ से फोल्ड करके इस जगह पर सिलाई लगाएंगे। और इन जो हमने पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, सिलाई हमारी ये जो हमारा फैब्रिक है पिंक कलर का, इसके ऊपर आएगी।
मेरी बोर्ड पाइपिंग तैयार हो चुकी है। इसे प्रेस की मदद से थोड़ा सेट करूँगी मैं, और अब इसका यहाँ पर हम नेक बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसका नेक कटिंग करूँगी, और नेक की जो मेजरमेंट है वो मैं इसी हिसाब से लूँगी जिस तरह ये है, यहाँ से ही मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। ये देखिए मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये नेक को कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा गैप दिया है। ये गैप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस जगह से मुझे ये वाली जगह से मुझे गैप चाहिए, जब यहाँ पर आएगा तो मुझे इसमें गैप चाहिए, वो अंदर की तरफ मैं फोल्ड करूँगी। तो जब मैं स्टिच करती हूँ करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं इसे बीच में से सीधा सीधा कट कर लूँगी और इस तरह जैसे हम नॉर्मल नेक को अटैच करते हैं यहाँ रखकर। अब ये जो मेरी बुकरम लगा हुआ है ये इस जगह से बाहर आना चाहिए, इस जगह तक आना चाहिए, और कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। अब यहाँ पर पहले मैं इसे पिनों की मदद से सेट करके इसे अटैच कर लूँगी। ये देखिए मेरा नेक कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ से भी नेक को अटैच कर लिया है और तुरपाई भी कर ली है बैक साइड पे इस तरह। यहाँ से भी मैंने ये इस जगह से भी तुरपाई करके इसे बंद कर लिया है, और यहाँ से देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है यहाँ से भी। तो अब मैं इसको बंद करने के लिए पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ से मेजरमेंट करूँगी कि मुझे कितना चाहिए तैयार। यहाँ से लेकर आधा इंच का छोड़ देंगे जो सिलाई में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी, मुझे 7.5 इंच चाहिए। तो यहाँ 7.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी, और फिर मैंने ये पट्टी तैयार की है, इसको मैंने इस तरह डबल करके सिलाई लगा के बंद कर लिया, और फिर मैंने इसे सीधा करके इस तरह बीच में इसकी ये लाइन बना ली है। ये लाइन जो है ये इसलिए आसानी होती है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। फिर इस तरह हम इस क्रीज को देखते जाएंगे कि वो सेंटर में आए और सिलाई लगाते जाएंगे। अब सिलाई हमें इसी दोबारा जो पहले सिलाई लगी उसी के ऊपर लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने ये निशान लगा लिया है, अब मैं यहाँ से इसे रखूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी पहले। और मैं इसके नीचे पट्टी रखूँगी, ये जो मेरी सेंटर लाइन है ये सेंटर में ही आए। ये है मेरे नेक की फाइनल लुक, ये देखें। ये मैंने बटन इसके ऊपर रखे हैं, इस तरह भी ये खूबसूरत लुक दे रहा है, और अगर आप चाहें तो बगैर बटन्स के भी इसको रहने दें, इस तरह भी ये इसकी लुक अच्छी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।